दोस्तों, चीता बड़ी जंगली बिल्ली का प्रकार है जिसे इस ग्रह पर सबसे तेज जानवर के रूप में जाना जाता है। चीता फेलिडे परिवार के सदस्य और बॉबिट्स, लिंक्स और पुमास से संबंधित होते हैं। चीता घास के मैदानों, सवाना और अर्ध शुष्क इलाके में रहता है जिसमें पर्याप्त खुली जगह है और बहुत सारे शिकार हो। क्या आप जानते हैं चीता की सबसे बड़ी आबादी अफ्रीका में रहती है? वैसे चीता एशिया में भी पाया जा सकता है। चीता के दोनों की समूह लुप्त प्राय है, खासकर एशियाई प्रकार गंभीर रूप से लुप्त प्राय। जंगल में केवल 9000 से 12000 जानवर ही शेष बचे हैं। उनके निवास स्थान के नुकसान और शिकार के कारण पिछले 20 वर्षों में उनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में जिसका नाम है अद्भुत रहस्य। और आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे चीता से जुड़ी कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला, क्या आप जानते हैं चीता दहाड़ नहीं मार सकते, बल्कि इसके बजाय घर की बिल्लियों की तरह वे म्याऊं म्याऊं करते हैं। दूसरा, चीता दुनिया में सबसे तेज भूमि जानवर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे करीब 113 किलोमीटर प्रति घंटे की एक शीर्ष गति तक पहुंच सकते हैं। और तो और, चीता केवल कुछ ही सेकंड में 0 से 113 किलोमीटर तक तेजी से ला सकता है। तीसरा, इस मांसाहारी स्तनपायी चीता का वैज्ञानिक नाम एसिनोनिक्स जुबेटस है। चौथा दोस्तों, पूरी तरह से विकसित चीता का वजन 75 से 145 पाउंड के बीच होता है। इसकी लंबाई 4 फीट और कंधे पर 2 से 3 फीट ऊंचाई तक पहुंच जाती है। उनकी पूंछ आमतौर पर 30 इंच लंबी होती है। पांचवा, अपनी 10 से 12 वर्षों के जीवन काल के साथ चीता मूल रूप से एक एकांत पशु होता है। छठा दोस्तों, अब आपको बताते हैं चीता की असली बात। आखिरी हिम युग से चीता का सफाया लगभग पूरी तरह से हो गया था और सभी आज के आधुनिक चीता जीवित बिल्लियों के एक छोटे से हिस्से से उभरे हैं, जो अपनी प्रजाति को बनाए रखने के लिए अंतर पैदा करते हैं। इस वजह से चीता और बिल्ली एक दूसरे के अनुवंशिक क्लोन हैं। सातवां, हमेशा एक चीता को पहचानने का एक तरीका लंबी काली लाइनों द्वारा होता है जो प्रत्येक आंखों के अंदर से मुंह तक चलती है। इन्हें आमतौर पर आंसू रेखा कहा जाता है और वैज्ञानिकों का मानना है कि वे चीता की आंखों को कठोर सूरज से बचाने में मदद करते हैं और उन्हें लंबी दूरी तक देखने में भी मदद होती है। आठवां दोस्तों, चीता की 36 विभिन्न प्रजातियां हैं और इनकी प्रजातियों के बावजूद उन्हें हर 3 से 4 दिनों में सिर्फ एक बार पानी पीना पड़ता है, क्योंकि वे खाने वाले भोजन से द्रव निकाल सकते हैं। नौवां, चीता दिनचर जानवर होते हैं। वे दिन चुनते हैं क्योंकि रात के दौरान अफ्रीका में ज्यादातर जानवर शिकार करते हैं। जब तापमान नीचे गिर जाता है, चीता अन्य अफ्रीकी बिल्लियों और शिकारियों की तुलना में बहुत कमजोर है, जो तत्परता से अपने भोजन को चोरी करते हैं तथा दैनिक शिकार को खोने की संभावना को कम करता है। दसवां दोस्तों, मध्य पूर्व प्राचीन लोग और भारत ने चीता को ट्रेनिंग दी और घोड़ों की सवारी करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया था। ग्यारहवां दोस्तों, क्या आप जानते हैं अपने हल्के शरीर के वजन और कुंद पंजे के साथ चीता खुद को या उनके शिकार को बचाने के लिए तैयार नहीं होता है। जब एक बड़ा या अधिक आक्रामक जंगली जानवर चीता तक पहुँचता है तो चीता लड़ाई से बचने के लिए अपने पकड़े हुए शिकार को छोड़कर चला जाता है। बारवा, अगर वे एक समूह में शिकार करते हैं तो वे जेब्रा या उससे भी बड़े शिकार को मार सकते हैं। तेरवा, मादा चीता केवल 5 से 10 औंस वजन वाले 3 से 5 शावकों को जन्म देती है। उसके बाद वे गुफा में अपने जीवन के पहले हफ्ते बिताते हैं और फिर बाद का ये समय उनके अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि माँ को शिकार के दौरान शावक को अकेला छोड़ना पड़ता है। शावक मृत्यु दर बहुत अधिक है, लगभग 90%। चौदहवा, चीता अपने मस्तिष्क के अत्यधिक गर्म और बंद होने से पहले 30 सेकंड तक ही दौड़ सकते हैं। पंद्रहवा दोस्तों, क्या आप जानते हैं सुरगुजा के महाराजा, जो 1360 भागों की शूटिंग के लिए रिकॉर्ड रखते हैं, उन्होंने भारत में आखिरी 3 चीता को मारा है, जो कि अस्वाभाविक कारणों से भारत से विलुप्त होने के लिए दर्ज इतिहास में एकमात्र पशु है।
तो दोस्तों आज का हमारा चीता से जुड़े रोचक तथ्यों का वीडियो यहीं हुआ समाप्त। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ऐसा है तो खटाखट लाइक कीजिए और अपने जानने वालों के बीच दुनिया के कोने कोने तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अब की बार हम आपसे दोस्तों पूरे 18,395 लाइक्स की उम्मीद रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, आंकड़ा बहुत अजीबोगरीब है लेकिन आपको देना पड़ेगा। हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमारे मनोबल को बढ़ाए रखिए ताकि हम ऐसे ही आपको अद्भुत रहस्यमय वीडियो से रूबरू करा सके। देखते रहिए अद्भुत रहस्य। हम जल्दी मिलेंगे एक नए दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक ख्याल रखिए। टाटा।